भक्तचरण दास जी का जो कल संभवतः इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फुहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएँ झेली हैं, तब उस पर अपनी टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी के एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियाँ थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जनुभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी, हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था। हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है, सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे।